हम लोग अभी गौतम बुद्ध के बारे में बुद्ध के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु शाक्य क्षत्रिय परिवार में हुआ था, क्षत्रिय जाति में। लुम्बिनी नामक एक जगह है नेपाल में, वहीं पे हुआ था। उनकी माता महामाया थी, उनका नाम था महामाया। और गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ समय ही बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद गौतम बुद्ध की उसकी जो मौसी है, उनका लालन पालन किया। गौतम बुद्ध के बारे में हमें अशोक के प्रसिद्ध एक रुंदोई का अभिलेख है, रुंदोई अभिलेख से मिलता है। अशोक गौतम बुद्ध के बारे में प्रथम असल में एक्चुअली वो शुरू शुरू में उन्हें एक बड़ा सन्यासी बोला था कि एक बड़ा ही प्रतापी राजा बनेंगे या सन्यासी बनेंगे। इसलिए उनके पिता ने काफ़ी संरक्षण दे रखा था। और एक बार की बात है, जो बाहर निकल के राज दरबार से बाहर निकल के जा रहे थे, तो उन्होंने वृद्ध व्यक्ति देखा। उसके बाद एक रोगी व्यक्ति भी देखा, मृतक व्यक्ति देखा और सन्यासी देखा। ये देख के उनका विश्व के प्रति उनके अंदर एक घृणा सब आ गई कि विश्व में कुछ नहीं है। इसलिए उनके विवाह होने के बाद, यशोदा नामक स्त्री से विवाह हुआ, उसके बाद उनकी पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद 29 साल की उम्र में उन्होंने गृह त्याग दिया। गृह त्याग के समय चान्या सारथी था, उनका अकंतक घोड़ा था, अकंतक नाम का एक घोड़ा था। रुद्र और अलार कलाम, उसके दो ब्राह्मण थे, उन्हीं का अनुसरण किया। उन्हीं को पहले उन्होंने गुरु माना था शुरू में। उसके बाद आते हैं निरंजना नदी के तट पे, वो पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने बैठ कर तपस्या की और 35 साल की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 35 साल की उम्र में वो जो पीपल के नीचे बैठे थे, उसके पहले उन्होंने सुजाता नाम की एक लड़की थी, किसान की लड़की, उनके हाथ से खीर खाया था। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति के बाद बनारस सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया उन्होंने सबसे पहले। इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और यहाँ से फिर वे 5 शिष्य उनके बन गए सबसे पहले। और उन्होंने 45 साल तक प्रचार करते रहा और कुशीनगर में उनका देहावसान हो गया। लास्ट में अंत 80 साल की उम्र में उनका हुआ था। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं, फिर आगे हैं। हाथी बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना जाता है। हाथी को हाथी मैंने जन्म के पहले का प्रतीक है, कमल जन्म का प्रतीक है, मैंने उनको गर्भ में आने को का प्रतीक हाथी है। और जन्म का प्रतीक है कमल, सांड है यौवन का प्रतीक, घोड़ा है गृह त्याग का प्रतीक, पीपल ज्ञान का प्रतीक है, शेर समृद्धि का प्रतीक है, स्तूप उनके मृत्यु का प्रतीक है। गौतम बुद्ध के बारे में एक और आते हैं, उनके बाद बात करते हैं कि उनकी व्यापक जानकारी हमें पाली भाषा से ही मिलता है। उनके 3 पिटक थे, सूत पिटक, विनय पिटक और अधिदम पिटक। ये 3 जानकारी और हम लोग को मिली है। अच्छा, एक ग्रंथ है मिनित मिलिप नाहो, इसमें यूनानी राजा मिलेंडर ने इसके उनके प्रश्नों का उत्तर नागसेन ने दिया था। वही एक उसी को उसी ग्रंथ का नाम है मिलिप नाहो। उसके बाद
बौद्ध धर्म बाद में दो संप्रदाय में बट गया, हीनायन और महायान। महायान में बुद्ध को देवतुल्य माना गया और उसमें गृहस्थ जीवन पर अधिक जोर दिया जाता था। फिर बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले सबसे ज़्यादा अशोक थे, अशोक, मिलांडर, कनिष्क और हर्षवर्धन। इनकी संगति कहाँ कहाँ है, इनकी सम्मेलन कहाँ कहाँ हुई देख लेते हैं। प्रथम बहुत संगति हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल में, 483 BC में राजगिरी में हुआ था। इसके बाद हुआ था श्री महाकश्यप, अधिक महाकश्यप थे। दूसरा कालाशोक के समय हुआ, 383 BC में, वैशाली नामक जगह है, उसके अध्यक्ष थे सभा कबीर। और तीसरी संगति हुई थी, बौद्ध संगति, अशोक के शासनकाल में, 253 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में, अध्यक्ष थे मोगली पुत्र। चौथा हुआ कनिष्क के समय हुआ था। कनिष्क के समय आपका प्रथम शताब्दी प्रथम एडी में हुआ था, 78। इसका बाद आता है कौन कौन थे, पशु अशुकोष थे और वसुमित्र थे इसमें मुख्य रूप से। बुद्ध पूर्व जन्म के सिद्धांत को मानते थे वो, और इसमें देख लेते हैं कि वे कौन कौन सा मार्ग अपनाए। वो बलि प्रथा के खिलाफ थे काफ़ी, उनके अष्ट मार्ग थे, साभ दृष्टि, साभ संकल्प, साभ वचन, साभ कर्म, साभ जीविका, साभ व्यायाम, साभ स्मृति, साभ समाधि, इनके अष्टिंग मार्ग थे ये, इसके आचार्य संहिता थे इनके। इस तरह हम लोग आज देखें बुद्ध के बारे में ब्रीफ जानकारी एक था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आगे जानकारी फिर देते रहेंगे।